नमस्कार, मैं कुलदीप साहू द खबरदार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। कल दिनांक 18 अगस्त जबलपुर के पीटीएलएस झा मॉडल हायर सेकेंडरी एक्सलेंस स्कूल में जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आप सभी आदरणीयों को मेरा प्रणाम। कक्षा 12वीं सी द्वारा यहाँ कौचारण लीला को दर्शाया गया है। श्री कृष्ण की लीला में एक महत्वपूर्ण लीला कौचारण है। श्री कृष्ण की लीला के द्वारा ही गौ की उत्पत्ति मानी गई है। श्री कृष्ण ने अपने वाम भाग से लीला पूर्वक सुरभि गाय को प्रकट किया है। नित्य प्रति अपने ग्वाल बालों के साथ गौ चराने बन जाते हैं। कृष्ण का गोविंद नाम भी गायों की रक्षा करने के कारण पड़ा था। श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन ग्वाल बालों, गाय एवं अन्य पशु पक्षियों के मन को मोहित कर लेती है। आइए, मैं सुप्रिया चतुर्वेदी अपनी झांकी की शुरुआत बांसुरी की धुन से करती हूँ। आज तो आनंद आ गया, आज तो बच्चों के साथ गायों को भी लाया हूँ। मैंने आज माँ यशोदा से कहा कि माँ अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए बछड़ों के साथ हम गायों को भी चराने जाएंगे। कृष्ण, तुम्हारे लिए गाय इतनी श्रेष्ठ क्यों है? गौ ही सबकी माता है। गौ बड़ी शांत सरल स्वभाव की होती है, कभी किसी को हानि पहुँचा ही नहीं सकती। गौ माता जी दूध अपने बछड़ों को देती है, वही भी कर्म शक्ति प्राप्त करते हैं। गाय से उत्पन्न गोबर, दूध, दही एवं घी का उपयोग पंचकर्म बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए मनुष्य स्वस्थ बलवान होता है। गाय माँ के समान अपना सब कुछ हमारे लिए दे देती है, इसलिए वह हमारी माता है। स्कूल का कार्यक्रम शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक चला, जिसमें क्लास 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरी स्कूल में मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाने जैसा माहौल लगा हुआ था, जिसे देखने के लिए दूर दूर से अनगिनत लोग आए हुए थे। छात्र एवं छात्राओं ने स्कूल में श्री कृष्ण के जन्म से लेकर वैकुंठ धाम तक जाने का पूरा प्रदर्शन किया। जैसा कि आप जानते हैं, श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे, वह उन्होंने कृष्णा के रूप में जन्म लिया अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, और वह अपने सारे उद्देश्य पूर्ण करने के बाद उनका समय आ गया था, तो वह अपने कपिला नदी के पास बैठकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। और उनकी मृत्यु भी जो जिसका नाम जरा था उनके हाथों से हुई, जो बाली का पुनर्जन्म था, और वह फिर गोलोक की तरफ प्रस्थान कर चुके थे और अपनी गोपी और अपनी राधा के साथ वे वहां सुकून से रहे। धन्यवाद। कल रात्रि को स्कूल जैसा न लगकर पूरा के पूरा स्कूल मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसा प्रतीत हो रहा था। छात्रों के साथ स्कूल के अध्यापकों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कार्यक्रम को और भी सुंदर और सुसज्जित किया। मैं डॉक्टर अलका जैन, वरिष्ठ अध्यापक भौतिक शास्त्र, मॉडल हाई स्कूल की ऐतिहासिक परंपरा रही है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे लाइव झांकी बनाई जाती है, बच्चे स्वयं प्ले करते हैं और उनको थीम दी जाती है पहले से, और बहुत ही मेहनत करते हैं बच्चे। एक एक चीज, कुछ भी वो आर्टिफिशियल यूज नहीं करते हैं, सब कुछ क्रिएटिव होता है उनका। बहुत मेहनत करके बहुत ही बढ़िया ये झांकी, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में ऐसी परंपरा कहीं नहीं है जो हमारे मॉडल हाई स्कूल में प्रतिवर्ष है। चूंकि 2 वर्ष कोरोना की वजह से हो नहीं पाया, तो इस वर्ष और अधिक उत्साह विद्यार्थियों में, उनके पेरेंट्स में, पूर्व छात्रों में देखने को मिला है। धन्यवाद। कोरोना काल की वजह से हर साल होने वाला यह कार्यक्रम 2 सालों से नहीं हो पाया था, लेकिन इस पर छात्रों ने पूरे मनोबल और उल्लास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हम पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र हैं। आज बड़ी जन्माष्टमी को धूमधाम से हमारे इस विद्यालय में मनाया गया है। आपको यह जानकारी देकर बड़ा हर्षित हो रहा हूँ मैं कि जबलपुर संस्कारधानी का सबसे पुराना स्कूल पंडित लज्जा शंकर झा कई वर्षों से लगातार यह कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। इस वर्ष भी यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आप सभी से निवेदन किया गया था और भारी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर हुआ, मटकी फोड़ का कार्यक्रम हुआ, सारे कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुए। धन्यवाद।
जबलपुर से हमारे रिपोर्टर कुलदीप साहू की रिपोर्ट। ऐसे ही अपने शहर से जुड़ी हुई खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे संपर्क करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।